Bana ver. अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। एक नया दिन और एक नई जर्नी गाइस। आज हम लोग दोबारा फिशिंग करने के लिए आए हैं और आज ये बॉर्डर एरिया पे हम लोग आए हैं फिशिंग करने के लिए। पासपोर्ट साइड पे हम लोग आए हैं। बिलाल भाई यहाँ पे सेट कर रहे हैं मछलियों के लिए कांटे वगैरह। चलो जी, ये सेटिंग हो रही है अभी सारी। और यहाँ पर छोटा सा एक तालाब है, यहाँ पर अभी हम लोग आए हैं फिशिंग करने के लिए। ये सारा सीन आप इधर का चेक करें, इसके चारों तरफ खेत हैं। आज गर्मी है, ज़रा मौसम थोड़ा सा गर्म है, गर्मी फील हो रही है, धूप ज़रा तेज़ है। आज फ्राइडे है और 1 अक्टूबर आज जुमे वाले दिन हम लोग फिशिंग करने के लिए आए हैं। अभी टाइम हो रहा है तकरीबन 12 का टाइम हो रहा है, तकरीबन 12 बज रहे हैं अभी। इधर के आप नज़ारे चेक करें, दोपहर में यहाँ पे कोई भी नहीं है तो हम लोग अकेले यहाँ पे फिशिंग कर रहे हैं। यादव भाई ने सामने कांटे वगैरह लगा दिए हैं, पूरा तैयार किया है फिशिंग के लिए, कांटे वगैरह लगाए जा रहे हैं। ये सारी आप तालाब चेक करें, मछली वगैरह काफ़ी बड़ी भी हो सकती हैं इसमें। आज अभी स्टार्ट किया तकरीबन 10 मिनट हो गए हम लोग इधर आए हैं अभी। एक कांटे का साइज़ चेक करें आप, कितना साइज़ है इसका। बड़ी फ़िशिंग के लिए अमूमन ये कांटा यूज़ होता है। यहाँ पे एक कछुआ भी पड़ा हुआ है, ये शायद मरा हुआ है। अभी हम लोगों ने एक कांटा लगा दिया इसके अंदर, अभी इंतज़ार कर रहे हैं। अभी बाकी तैयारी चल रही है इधर, बिलाल भाई बैठ गए इधर और आतब भाई तैयारी कर रहे हैं जी। पानी यहाँ पर काफ़ी गहरा होगा, तकरीबन 6 से 7 फुट। आतब भाई मुझे बता रहे हैं कि यहाँ पर पानी जो किनारे पे 6 से 7 फुट गहरा होगा। ये तालाब जो है ये काफ़ी पुराना है, और रातों भाई मुझे पहले बता रहे थे कि तकरीबन 1988 या 87 में ये तकरीबन तालाब इतना पुराना है। आपको ये खामोश पानी नज़र आ रहा है लेकिन इसके अंदर काफ़ी बड़ी मछलियाँ हो सकती हैं। तो आज हमारा इंशाल्लाह प्लान है कि हम लोग शाम तक यहाँ पर फ़िशिंग करेंगे। फ्राइडे का जो दिन है हम लोग स्पेशल फ़िशिंग के लिए रखा है आज, तो तकरीबन अभी 12 का टाइम हो रहा है तकरीबन, और शाम तक इंशाल्लाह मगरब के टाइम तक हम लोग अब आज अपनी किस्मत को आजमाएंगे और कोशिश पूरी करेंगे। नसीब की बात है, फ़िशिंग काफ़ी बेसिकली आप अपना टाइम आपने स्पेंड करना होता है। आप अपना फ़िशिंग एक काफ़ी सब्र वाला काम है, तो आज अपनी किस्मत को भी आजमाते हैं आज। पूरी छोटी है, मुँह बड़ा मछली का। कांटे में ये कछुआ आया छोटा, गर्दन को ये छुपा लेता है सेफ्टी के लिए अपने खोल के अंदर। चंगी है, पारी थी ना। यहाँ तो फिश अभी छोटी है, जिस तरह से मछली ने खींचा है कांटे को तो मछली तो यकीनन काफ़ी बड़ी है। यहाँ पे ये मछली को लालच देने की तैयारी है जी। चेक करें कितने ज़्यादा चारा लगा दिया इसके ऊपर, कैंचुए लगा दिए सारे कांटे के ऊपर, और अभी एक नया कांटा जाने लगा पानी के अंदर। ये जी बिलाल भाई यहाँ पे निम को इन्जॉय करते हुए यहाँ पे कांटे में, ये आप चेक करें अभी मछली लगता आ चुकी है। ये आ तो भाई अभी खींच रहे हैं कांटे को, और ये देखें आप हलचल चेक करें, बड़ी मछली लग रही है पानी के अंदर। इंतज़ार काफ़ी घंटे डेढ़ घंटे हो गया तकरीबन हमें, और ये बड़ा माशाल्लाह काफ़ी बड़ी ये चीज़ है। आराम से मछली है। इस दफा बड़ा कछुआ आया है, फुल कछुए का हिसाब चेक करेंगे। बड़ा कछुए का शिकार किया आप, क्या करो अग्रेसिव बना यार। कुछ नहीं करना, ये साइज आप चेक करें, फुल साइज बड़ा साइज का ये कछुआ है। सांस ले रहा हूँ, चल चल खतरनाक चीज़ है। ये शॉपर चेंज करके ग्लव्स पहन के मैंने कैंचुए जो है वो शिफ्ट कर दिए हैं, कपड़े वाला जो बैग था थैली उसमें मैंने शिफ्ट किए हैं शॉपर दूसरे में से। तो अभी मैं और बाली यहाँ पे, बिलाल भाई यहाँ पे जगह चेंज करने लगे हैं, दूसरी जगह पे जाने लगे हैं, तो कांटा दूसरी जगह पर लगा के देखते हैं। अभी तकरीबन हमें डेढ़ घंटा तकरीबन हो गया और अभी तक हम लोगों ने एक भी फ़िश नहीं पकड़ी। काफ़ी एक दो कछुए आए हैं, वो आपने देखा भी है, कछुए आपने हम लोगों ने पकड़े हैं। फ़िश लग रही है कांटे के अंदर लेकिन वो छुड़वा रहा है कांटे को, तो चांसेस हैं लेकिन फ़िश आने के, लेकिन यहाँ पे फ़िश काफ़ी बड़ी है। अगर फ़िश लगी तो कम अज़ कम 1-1.5 किलो की बड़ी फ़िश लगेगी, तो चांसेस हैं, सब्र वाला काम है, अभी कोशिश जारी रखेंगे। बाली भाई यहाँ पर नई जगह आ गई जी। बाली भाई ने यहाँ पे कांटा लगाया, जगह थोड़ी सी चेंज की है, जगह यहाँ पे थोड़ी सी कम है,
खड़ा होने के लिए जगह कम है, तो इर्द गिर्द सारे आप चेक करें, झाड़ियाँ वगैरह इस तरफ, इधर भी झाड़ियाँ हैं, तो ये ख़तरनाक हो सकती हैं, यहाँ पे सांप वगैरह हो सकते हैं। कांटे में एक और कछुआ आते हुए, तीसरा कछुआ जी, ये दो छोटे कछुए और ये कछुआ चेक करें, ये छोटा कछुआ है, इससे पहले जो हमने पकड़ा था ये तीसरा कछुआ जी, तीसरा कछुआ जी, कांटा निकाल रहे हैं जी बाहर अभी, बड़ी बुरी तरीके से फंस गए, चाकू के साथ निकालने और चल 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 आ गया जी, पानी में छोड़ दिया अब हमने, ये किस्मत की बात है जी, तीसरा कछुआ हम लोग पकड़ चुके हैं, चारा खा रहा है कछुआ, अट्रैक्ट हो रहा है ये जो हमने चारा लगाया, मछली आता भाई, दूसरा कांटा देखो उधर, वो ना वैसे मूवमेंट है, हमें कछुआ नहीं हमें मछली चाहिए, हवा बड़ी ज़बरदस्त चल रही है, अब हवा चेक करें यहाँ पे, मज़ेदार हवा है, मौसम थोड़ा सा गर्मी तो खैर इतनी ज़्यादा नहीं है, हवा चल रही है आजकल, वैसे भी जो मौसम है वो हबस का मौसम है, तो हबस का जो मौसम चल रहे हैं इसके दौरान यहाँ पे ये है कि हवा वगैरह अच्छी चल रही है, फ़िशिंग करने का मज़ा आ रहा है, अच्छा टाइम गुजर रहा है हमारा आज, हम तकरीबन तीन कछुओं का शिकार कर चुके, इधर आतिफ भाई कांटा लगा के बैठे हैं, और इस तरफ आपको दिखाते हैं जी, इस तरफ बिलाल भाई भी इस तरफ साथ में पकड़ रहे हैं मछलियाँ, बिलाल भाई लगा कोई कांटा, मुसलसल हलचल हो रही है जी, बिलाल भाई का कहना है कांटे में, लेकिन वही बात है जी किस्मत की, बिस्मिल्लाहिर्रहमान, इस दफ़ा दोबारा एक हलचल हुई है जी, बछुआ सारी मिट्टी वगैरह इधर से उड़ा दी उसने पानी में, वही कछुआ है और नहीं भाई, तो आगे भाग गया जी, ठीक जा रही है, और कछुए पकड़ने के बाद अभी थोड़ी सी नमक को टेस्ट करते हैं यहाँ पे, नमकीन हो गया ना इसलिए, हाँ जी सर जी बोल के देना, आता भाई का पांचवा कछुआ, लेकिन ये है कि काफ़ी दफ़ा चार कछुए आ चुके हैं अभी तक, अभी टाइम जो हो रहा है वो तकरीबन भाई साहब टाइम हो रहा है ढाई का टाइम हो रहा है, और चार कछुए अभी तक हम लोगों ने पकड़े हैं, और फिश अभी तक कोई नहीं आई, ये है कि काफ़ी दफ़ा इसमें लगी है, लेकिन कांटा छुड़वा के भाग रही है फिश, लेकिन अभी शाम तक हम लोग इधर ही हैं, शाम तक हम लोग कोशिश करेंगे, अभी ढाई का टाइम हुआ है, तो यहाँ बड़ा डंडा लेने के लिए बिलाल साहब नीचे गए हैं, बारह को जी पाँचवा कछुआ पकड़ लिया हम लोगों ने कैसा फील हो रहा आपको पाँचवा कछुआ पकड़ गए हैं? बहुत अमेजिंग। तो गाइज यहाँ पे पांच कछुए अभी तक जो हम लोग पकड़ चुके हैं, तीन बज चुके हैं, 12 बजे हम लोग आए थे, हम लोगों को तकरीबन 3 घंटे हो गए, और अभी मैं और बिलाल यहाँ पे जगह तलाश करने के लिए आए हैं कि कोई और जगह तलाश की जाए, क्योंकि हमारे जो आतिफ भाई थे उन्होंने, उनके जो उस्ताद मोहतरम हैं जिनके साथ वो फ़िशिंग करते हैं, उनसे उन्होंने पूछा है, तो उन्होंने कहा कि बेहतर है कि आप जगह चेंज कर लें, क्योंकि जहाँ पे एक दफ़ा कछुए आ जाते हैं फिर वहाँ पे मछली कम आती है, तो इस वजह से मैं और बिलाल अभी नई जगह तलाश करने के लिए निकले हैं, प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि यहाँ पे जगह नहीं मेरी, यहाँ पे ये रास्ता भी तलाश करने लगे हैं, ख़तरनाक रास्ते हैं लिए, ये भी रास्ता हम लोग ढूँढ रहे हैं कोई मिल जाए, यहाँ पर एक चीज़ देखने वाली है कि बहुत ठंडा यहाँ पे इन्वायरमेंट है, मौसम बहुत ठंडा है यहाँ पे, शायद दरख्तों की वजह से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मौसम अच्छा है, दरख्त लग गए हैं काफ़ी ज़्यादा, ये सिर्फ धान की फसल लगी हुई है सारी, और इस तरफ कमाद है गन्ने का खेत, रास्ता इसी में से अभी जाना पड़ेगा यार, खेत तो में हम लोग अभी आ गए, अंकल आगे पहुंच चुके हैं, अभी हम अंकल के पीछे पीछे जा रहे हैं वो रास्ता देखने, यहाँ पे हो सकता है अगर हम लोग फिशिंग करें तो उस जगह मिली, लेकिन यहाँ पे रास्ता नहीं इतना ख़ास, मट्टी है जो खेत के अंदर काफ़ी पौध ख़राब हो गया, ये भी दिलचस्प एडवेंचर है जी, एडवेंचर बड़ा दिलचस्प, बिलाल और अंकल जी आगे आगे पीछे रह गए होंगे,
काफ़ी खौफ फील हो रहा है इस जगह पे, काफ़ी खौफ फील हो रहा है इस जगह में, डर लग रहा है जी। अंकल बता भी रहे हैं कि यहाँ पे सांप वगैरह भी हो सकते हैं, तो इस वजह से जहन पे ऐसी एक चीज़ आपके सवार हो जाए तो आप ज़्यादा डर लगता है। आतिफ भाई सामने है जी, आतिफ भाई नज़र आ गए, आतिफ भाई नज़र आ गए, आतिफ भाई इधर आ जाओ। अंकल हमें अभी एक और जगह दिखाने के लिए लेके जा रहे हैं, सामने अगर देखते कोई जगह मिलती है। अंकल जी रखा ले एक ही जगह सही, बाकी तो उधर कोई नहीं रखा, लेकिन आतिफ भाई नहीं ना मंदिर पे सुझा जगह में ये पसंद आई थी एक, लेकिन आतिफ भाई कह रहे हैं उधर से ही पकड़ेंगे, अगर फिश पकड़नी है तो उधर से ही पकड़ेंगे, तो अभी उसी जगह पे जा रहे हैं हम लोग वापस, ख़तरनाक रास्ते से दोबारा वापस जाएंगे। बिलाल साहब कह रहे हैं कि सेंटर में नहीं पहुँचे, बिलाल सेंटर में होना चाह रहा है। आतिफ भाई अपने टीचर से बात कर रहे हैं अभी, उनसे मशवरा वगैरह ले रहे हैं, मशवरा ले रहे हैं उनसे कैसे फिशिंग की जाए। अभी तक हम कोई प्रोग्रेस नहीं है मछली की, यहाँ पे फिश अभी एक भी नहीं हम लोगों ने पकड़ी, लेकिन उम्मीद पे दुनिया कायम है। आतिफ भाई इंतज़ार करते हुए, आतिफ भाई बहुत अच्छा लग रहे हैं कैमरे में, और बिलाल साहब मायूसी के आलम है। आप ये चेक करें, जब इंसान ज़िंदगी में मायूस हो जाता है तो इस तरह के चेहरे होते हैं, ये उस तरह का ज़िंदगी में इंसान को जब कोई उम्मीद नज़र नहीं आती तो इस तरह के हालात भी होते हैं। लेकिन बात यह गिव अप नहीं करना चाहिए इंसान को ज़िंदगी इसी चीज़ का ना। फाइनली जी शाम का टाइम हो चुका है, सूरज भी अब ग़ुरूब हो रहा है, और आतिफ भाई सारे जितने भी कांटे अभी इकट्ठे कर रहे हैं, और अनफॉर्चुनेटली आज एक भी फ़िश हमने नहीं पकड़ी, लेकिन हमारा टाइम बहुत अच्छा गुजरा है, और इसी के साथ आज की जो वीडियो है उसको एंड करते हैं। तो कोई बात नहीं, ज़िंदगी इसी चीज़ का नाम है, सब्र का नाम है, आप सीखते हैं, आप कोशिश आपको हमेशा जारी रखनी चाहिए। फिलहाल साहब यहाँ पे क्रीम चाट और आतिफ भाई फ्रूट चाट और बिलाल भाई दही भले इंजॉय करते हैं, फिशिंग तो नहीं हुई अभी, दही भले इंजॉय कर रहे हैं जी, पहले को पहुँच रहे हम लोग। आतिफ भाई कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस आज का है, इतनी मेहनत से बहुत इन्जॉय किया। और माशाल्लाह पांच आपने कछुए पकड़े आज, बहुत बड़े बड़े। और बिलाल भाई तो आज मायूस हो चुके हैं ज़िंदगी से, दोबारा लगा ये नहीं फिशिंग करेंगे दोबारा, है इस तरफ नहीं आएंगे। हाँ